स्वागत है आपका सामना लाइव न्यूज चैनल में। मैं अश्वागनी, देखते हैं आज की खास खबर। भारत बंद के समर्थन में किसान विरोधी बिल का किया गया बहिष्कार। मध्य प्रदेश छतरपुर जिले के राजनगर में आज भारत बंद को लेकर सैकड़ों किसानों ने रामबाग में एकत्रित होकर विशाल रैली निकाली। इस रैली में जय जवान जय किसान का नारा गूंजता रहा। वहीं भारत बंद पर किसानों ने एकजुटता दिखाते हुए पूरे देश में काले कानून का जोरदार विरोध किया। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कानून बिलों को काला कानून बताया। भारत बंद को लेकर किसानों ने दुकानदारों को समझा कर किसानों के सम्मान में दुकानों को बंद करवाया। राजनगर के सभी समाजसेवी एवं पत्रकार साथियों ने भी किसानों की मांगों को जायज बताकर उसका समर्थन किया। किसानों के समर्थन में भाजपा के विधानसभा अध्यक्ष प्रमोद अहरवार, भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के साथ संविदा प्रेरक मोर्चा के अध्यक्ष संदीप गुप्ता ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया। ओबीसी महासभा ने किसानों के साथ रैली निकालकर राजनगर तहसीलदार को ज्ञापन देकर किसानों के काले कानून वापस लेने की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग भी की। बोलो बोलो भारत माता की, नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी नहीं चलेगी प्रशासन की तानाशाही, नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जिंदाबाद 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 यहाँ मौजूद है, उनके आंसुओं का बदला लेंगे क्या? बिल्कुल लेंगे, और सभी किसान बंधु आए भी हैं, और निश्चित तौर पर हम ये उनसे क्वेश्चन करेंगे कि साहब आकर हमारे इन किसान भाइयों को इस प्रकार से धुतकारा क्यों जाता है आकर। कल वो रो भी रहे थे यहाँ पे, तो उसका निश्चित हम उन किसान भाइयों की आंसुओं का बदला अवश्य लेंगे। मीडिया के साथ भी अभद्रता की गई अधिकारी द्वारा। चले जाओ किसान भाइयों।